Hello viewers, welcome to my channel Angel Gabriel Tarots. Today I have made this video for Sushant Singh Rajput and Disha Salian. Disha Salian के केस में किसी ने मुझसे पूछा हुआ है कि उनका जो रेप हुआ था सुशांत, उस केस में कुछ बताना चाह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू, और उसके पहले ही उनका जो है वो मुंह बंद कर दिया गया, उनको मर्डर कर दिया गया. तो इस तरह का प्रश्न पूछा हुआ है, ये मैं कार्ड्स के सामने रख रही हूँ और मैं ये जानना चाहूँगी मेरे आसपास जो कोई भी एंजल से, मैं जानना चाहूँगी कि दिशा सालियान का रेप जो हुआ था वो कितने लोग इन्वॉल्व थे और इनका रेप हुआ है कि नहीं हुआ है, ये मैं सब जानना चाहूँगी. शांत इस चीज़ को बताने वाले थे, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा. फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि दिशा सालियान का रेप हुआ था तो इस बात में कितनी सच्चाई है, वो क्या बताना चाहते हैं. मेरे आसपास जो कोई भी एंजल्स हैं अगर मैसेज ले सकते हैं सुशांत सिंह राजपूत से, प्लीज़ मुझे बताएं. व्यूअर्स जानना चाहते हैं दिशा सालियान के केस में. यहाँ पे सबसे पहला कार्ड जो है वो एंजल का आया हुआ है, दैट मीन्स कि यहाँ पे ये बता रहा है कि एंजल्स यहाँ पे खुद जवाब दे रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत की, ये जो खुलासा ये करने वाले थे इनके रेप केस का, रेप इनके साथ जो है वो जो भी गलत काम दिशा सालियान के साथ हुआ है, ये बताना चाह रहे हैं कि ये बहुत ही मैच्योरिटी के साथ इस चीज़ को लाने वाले थे, लेकिन किसी चीज़ को लेके ये स्टक्ड हो गए थे कि नहीं मुझे बताना ही बताना है, और इन्होंने आसपास ये देख नहीं पाए कि मुझे कैसे सावधानी के साथ इस चीज़ को लाना चाहिए कि मैं जो हूँ मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए या मेरा मर्डर ना हो जाए, इस चीज़ को वो देख नहीं पाए और एक ही चीज़ को लेकर स्टक्ड रह गए. और आसपास थोड़ा सा दोस्तों ना आँखें खोल के चलना इस तरीके से, तो यहाँ पर ये कार्ड बताता है कि किसी ने आके इनकी बात सुन ली है या जान ली है कि सुशांत इस चीज़ की, मोस्ट प्रोबेबली ये एक ऐसी लेडी का कार्ड है जो कि उनके संग रह रही होगी, और रिया ही हो सकती, कोई एंड टाइम पे रिया ही थी, तो उसी ने हो सकता है कि किस तरीके से उगलवा लिया हो कि जो है दिशा के साथ ही गलत काम हुआ है. और जैसे होता है ना कि बातों बातों में पता कर लेना कि आप क्या ओपन करने जा रहे हो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो भी उसने पता कि, तो यहाँ पे थर्ड पर्सन ने आकर के बातें सुन ली हैं और मेल किसी पर्सन का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है इस सब पूरे प्लान में. तो सुशांत जब ओपन करने जा रहे होंगे तो और लोग को उनके संग जो रह रहे थे उनको पता चल गया होगा, तो ये चीज़ यहाँ पे बताता है कि उसके बाद से ही ये अपने ही दोस्तों के बीच में गॉसिपिंग का शिकार हो गए थे. गॉसिपिंग का कार्ड आया हुआ है और पीठ पीछे लोग उनके जो है ये प्लान बनाया गया है कि किस तरीके से इन पे जो है वो जीत हासिल करो, किस तरीके से इनका मुंह बंद करो, या जो भी है. तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ये करने वाले थे क्योंकि यहाँ पे सबसे पहला कार्ड एंजल का पॉजिटिव कार्ड आया हुआ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस चीज़ पर वो करने वाले थे. और ये पॉजिटिव कार्ड ये बताता है कि इनका रेप हुआ है, बिल्कुल हुआ है, हामी भर रहे हैं कार्ड्स, और किसी चीज़ को लेकर ये स्टक्ड रह गए हैं सुशांत, तो इनको पता नहीं, देख नहीं पाए आसपास कि कौन जना जो है हमें नुकसान दे सकता है या क्या, बस मुझे करना है तो मुझे करना है चाहे जो हो जाए. इनको ये नहीं मालूम था कि मेरा इस तरीके से मर्डर हो जाएगा, और गॉसिपिंग का शिकार ये हुए हैं. उसके बाद इनको ये लगने लगा कि जनता मुझे और जो है वो अच्छा समझेगी समाज में, और मुझे मैं बहुत फेमस हो जाऊँगा, और मुझे जो है लव ऑफ फेम जनता से मिलेगा, मुझे अपने परिवार से भी बहुत सपोर्ट है. तो इन सब चीज़ों को लेकर के वो बहुत खुश थे कि ये चीज़ मैं अब लाने वाला हूँ तो मुझे जो है और जो है लोग मुझे जानेंगे कि हाँ मैं कितना अच्छा हूँ. इस तरीके का कार्ड यहाँ पे कप का कार्ड आया हुआ है, तो ये चीज़ उनके फीलिंग उनके थी. मैं इसमें और मैसेज देख लेती हूँ कि इसके बाद का मैसेज जो है स्पिरिट क्या करना चाह रही है. मेरे आसपास जो कोई भी एंजल्स हैं प्लीज़ मुझे बताएं कि सुशांत सिंह राजपूत से अगर वो मैसेज ले सकते हैं तो प्लीज़ मुझे बताएं कि इसमें और क्या मैसेज है. उनका ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करने वाले थे दिशा सालियान को लेकर के कि उनके साथ गलत काम हुआ है, और इसमें आगे और क्या मैसेज है, वो क्या बताना चाहते हैं. दिशा सालियान की एक्स मैनेजर रह चुकी हैं, तो बहुत ही गंभीर एक मामला है. इनके साथ ट्रिक खेली गई है, इनके साथ मैजिक खेला गया है, इनके साथ ट्रिक खेली गई सुशांत के साथ. और अगर मैं ये इस कार्ड के बाद कंटिन्यू करूं तो ये जिस चीज़ को ओपन करने वाले थे इससे ही सोच रहे थे कि
मैं जो हूँ मुझे कुछ हो, मतलब उनको अंदाज ही नहीं था कि मेरा कुछ मर्डर हो जाए, कुछ हो जाए, उनको पता ही नहीं चल पाया। जैसे कि कार्ड उसने बता रहा है कि वो एक ही चीज़ के लिए स्टक रह गए, आसपास ओपन माइंडेड नहीं रखा कि कौन जना मेरे साथ जो है गलत काम कर सकता है, या रिया कुछ गड़बड़ कर सकती हैं, या कुछ भी। उसके साथ मैजिक खेला गया है, ट्रिक्स खेली गई हैं सुशांत के साथ, और जिस किसी ने खेली है वो बाद में उसने जीत हासिल कर ली है। और बहुत जो है अब जैसे होता है ना कि अब मैंने कुछ किया ही नहीं है, बेवकूफ़ बना जैसे घूम रहा है कि जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ। इस तरह का कार्ड यहाँ बता रहा है कि जिस किसी ने भी इनका जो है, जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं इनके मर्डर केस में, वो सब इस वक्त जो है उन्होंने अपने उस वक्त इनका मर्डर भी कर दिया और उसके बाद जीत भी हासिल कर ली। अब वो ऐसा दिखा रहे हैं कि सीबीआई के सामने जैसे कि हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। तो ये कार्ड्स इनके साथ, ये मैजिक यहाँ ट्रिक्स खेली गई हैं, ट्रिक इसी तरह की खेली गई हैं कि जीत तो हासिल कर ली और उसके बाद दिखा रहे हैं कि हम कुछ जानते नहीं हैं, हम बेवकूफ़ हैं, हम कुछ नहीं जानते। और इनके साथ जो है यहाँ कार्ड्स यहाँ बताते हैं कि जस्टिस होगा इन लोग के साथ, स्पिरिट कह रही है कि जस्टिस होगा, और इनके साथ भी बहुत ही जो है वो ख़राब काम होगा, बिल्कुल होगा। और ये जो बिच्छू वाला कार्ड ये बताता है कि सुशांत को उसी वक्त जो है बहुत ही, मतलब एक होता है ना स्पिरिट, हम सब लोग सो नहीं पा रहे थे। जब आपने देखा होगा कि जब स्पिरिट आके कहती है ना, तो व्यक्ति के पेट गड़बड़ने लगता है और पेट में अजीब सा उफन, मतलब होता है ना दर्द टाइप का होना, और नींद नहीं आती है, ये सबसे बड़ा सिम्टम होता है। हम सब उस वक्त अगस्त सितंबर के महीने में, जुलाई के महीने में आपने देखा होगा कि ये स्पिरिट इतनी स्ट्रांग है कि हर एक किसी से आकर के जस्टिस मांग रही थी, और सब लोग आके खड़े हो गए कि ये सुशांत के साथ जो है ये मर्डर हुआ है, इनका सुसाइड नहीं हुआ है, सब सब लोग एकदम खड़े हो गए आकर के। तो इसीलिए ये बहुत गुस्से में थे उस वक्त सुशांत, ये इस तरह से गलत उनके उनके लिए ये गलत बात रखी गई। अब वो जस्टिस का कार्ड दिखा रहे हैं, जस्टिस होगा, बिल्कुल होगा, वो खुद भी इस चीज़ को जो है वो आगे बढ़ाएंगे, अपने लिए जस्टिस इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, और धीरे धीरे करके ये जो लड़ाई है जो हम लोग लड़ रहे हैं, ये वॉरियर्स का कार्ड आया हुआ है, धीरे धीरे ये लड़ाई अपने अंतिम चरण पे आएगी और बिल्कुल आएगी, न्याय बिल्कुल होगा, जस्टिस होगा। जैसे ही जस्टिस हो जाएगा, इनकी जो सोल है वो रेस्ट इन पीस हो जाएगा, उसके बाद ही अपना रिबर्थ लेंगे, या जो भी डिसाइड करें, वो तो गॉड की मर्जी है, अल्टीमेटली द डिसीजन ऑफ द गॉड इज़ द फाइनल। तो ये जस्टिस वाला कार्ड यहाँ साफ बताता है कि इनके साथ जो ये बताना चाह रहे थे उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू, या जो कुछ भी, इनको अंदाज नहीं था कि मुझे इस तरह से मार दिया जाएगा और सब कुछ ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये कार्ड यहाँ हामी भर रहे हैं कि इनके साथ मैजिक खेला गया है, ट्रिक्स खेली गई हैं, जो इनके किलर्स हैं उन्होंने जीत हासिल कर ली है, और अपने आप को सब बेवकूफ़ दिखा रहे हैं कि हम कुछ जानते नहीं हैं। तो ये कार्ड यहाँ पे साफ मैसेज कर रहे हैं कि ये कुछ बताने वाले थे और इसके पहले ही इनको जो है मार दिया गया है। तो आई थिंक कि आपको क्लियर मैसेज मिल गया होगा। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।